hi guys, welcome back to our crypto discussion YouTube channel Moon Crypto Girl. In today's video, we are going to discuss about how Bitcoin is changing the different perspective about it and moving towards the mass adoption, and also some of the positive and negative news about Bitcoin and also about Bitcoin price movement. So let's begin. अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, देन अभी बिटकॉइन का प्राइस नियर $9,100 चल रहा है, एंड रिसेंटली हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ डंप देखने को मिला था, जिसकी वजह से अभी आपको ज़्यादातर क्रिप्टो मार्केट रेट के अंदर नज़र आ रही होगी। एंड अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, देन यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है, एंड करेंटली जो बिटकॉइन है वो इस येलो एंड पीच ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा है। जैसे कि आपको ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर दिख भी रही होगी कि प्राइस ने यहाँ पर अपवर्ड मूव किया था, एंड आफ्टर दैट जो ये येलो लाइन है इसने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया, एंड अगेन हम नीचे आ गए। एंड करेंटली जो बिटकॉइन का प्राइस है वो इस पीच लाइन के ऊपर चल रहा है। सो राइट नाउ ये कहना मुश्किल होगा कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से डंप होगा या पंप होगा, ये चीज़ हमारी क्लोजिंग पर डिपेंड होगी। इन केस बिटकॉइन का प्राइस इस पीच लाइन के नीचे क्लोज करता है, देन उस केस के अंदर हो सकता है कि हमें यहाँ पर जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करे। बट इन केस बिटकॉइन का प्राइस इस पीच लाइन के ऊपर क्लोज करता है, देन उस टाइम हो सकता है कि प्राइस अगेन ये येलो लाइन को रीटेस्ट करे, एंड अगेन हमें प्राइस के अंदर कुछ डंप देखने को मिले। बट करेंटली जो प्राइस है वो अभी इस पीच लाइन के ऊपर चल रहा है, सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बिटकॉइन का प्राइस क्लोज कहाँ करता है। और आज CME ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है, सो देयर आर चांसेस कि अभी बिटकॉइन कोई मूव ले, एंड हो सकता है कि हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कुछ डंप भी देखने को मिले। एंड यहाँ पर आपको ब्लू लाइन के अंदर कुछ वेव नज़र आ रही होगी, ये है एलियोट वेव। सो जो एलियोट वेव है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से डंप ले, बट इन केस मैं बी को यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, देन उस केस के अंदर ये हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा अपवर्ड मूव करे, देन अगेन प्राइस के अंदर हमें कुछ डंप देखने को मिले। एंड अगर प्राइस इस एलियोट वेव को फॉलो करता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा पंप नहीं ले सकता। अभी ये बिटकॉइन के प्राइस के लिए काफ़ी टफ होगा कि वो $10,000 को क्रॉस करके ऊपर की ओर मूव करे। एंड ये भी हो सकता है कि उससे पहले हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कुछ डंप देखने को मिले। एंड इनकेस बिटकॉइन का प्राइस इस एलियोट वेव को फॉलो करता है, देन देयर आर चांसेस कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा अपवर्ड मूव करे, एंड अगेन बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें कुछ डंप देखने को मिले, एंड आफ्टर दैट बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी अच्छा पंप ले। बट इनकेस जो प्राइस है वो इस रेक्टेंगल को ब्रेक करके नीचे की ओर मूव कर जाता है, देन उस केस में हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस नियो $87,000 to $8,800 तक आ जाए। एंड अगर यही चीज़ हम एक और चार्ट के अंदर देखें, देन यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन है ये हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। एंड ये ब्लू लाइन सिंस दिसंबर 2017 चलती हुई आ रही है, एंड करंटली जो बिटकॉइन का प्राइस है वो इस ब्लू लाइन के ऊपर है। एंड जो यहाँ पर हमारी ये वाइट लाइन फॉर्म हो रही है ये भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रही थी, एंड राइट नाउ जो प्राइस है वो इसके नीचे आ गया है, एंड अभी ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। सो देयर आर चांसेस कि बिटकॉइन का प्राइस नियो $8,950 तक आ जाए, एंड आफ्टर दैट हमें अगेन एक पंप प्राइस के अंदर देखने को मिले, एंड आफ्टर दैट प्राइस के अंदर कुछ सडन डंप आए, एंड अगेन प्राइस अपवर्ड मूव करे। सो देयर आर चांसेस कि ऐसा कुछ हो। एंड एक और भी रीज़न है कि मैं प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा पंप से पहले एक डंप एक्सपेक्ट कर रही हूँ, दैट इज़ दिस पीच लाइन। सो जो ये हमारी पीच लाइन है इसके ऊपर कभी भी हमारी वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो हमारी वीकली क्लोजिंग है वो हमेशा इस पीच लाइन के अंदर हुई है। इन केस जो हमारी वीकली क्लोजिंग है वो इसके ऊपर होती है, देन ये चीज़ बिटकॉइन के प्राइस के लिए काफ़ी बुलिश हो सकती है। बट इन केस हम इस ब्लू लाइन के भी नीचे आ जाते हैं, देन देयर आर चांसेस कि बिटकॉइन अगेन नियर $8,500 आ जाए, एंड ये लेवल को रीटेस्ट करे। एंड इन केस प्राइस यहाँ से भी डंप लेता है, देन नियर $7,700 तक प्राइस जा सकता है, एंड आफ्टर दैट हो सकता है कि हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कुछ पंप देखने को मिले। एंड जैसा कि हमें पता है कि रिसेंटली बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन भी हो रही है जो कि ग्रे स्केल कर रहा है। सो जो लास्ट वीक है उसके अंदर ग्रे स्केल ने नियर 19,000 प्लस बिटकॉइन को एक्यूमुलेट किया है, एंड अभी जो बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन है ग्रे स्केल के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रे स्केल सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं लेकिन इथीरियम को भी एक्यूमुलेट कर रहा है, एंड करंटली जो ग्रे स्केल है उसके पास नियर
400k बिटकॉइन है। एंड अगर हम इस ट्वीट की बात करें देन इसके अकॉर्डिंग देन सिंस हालविंग 53,000 बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर लिया है एंड जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। इसका मतलब बिटकॉइन माइन कम हो रहे हैं लेकिन एक्यूमुलेट ज़्यादा किए जा रहे हैं। सो इन शॉर्ट जो सप्लाई है वो कम हो रही है एंड जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। एंड इन केस बिटकॉइन की डिमांड ऐसे ही बढ़ती रही देन जो बिटकॉइन का प्राइस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा पंप होता हुआ नज़र आ सकता है। एंड इन केस ग्रेस्केल ऐसे ही बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन करता रहा देन जनवरी 2021 के अंदर नियर 3.4% ऑफ द होल बिटकॉइन विल बी ओन्ड बाय ग्रेस्केल। सो दैट इज ह्यूज। अगर ग्रेस्केल हमारा 3.4% जो बिटकॉइन है उसे होल्ड कर लेगा देन जो ग्रेस्केल है उसके पास में मोस्टली जो बिटकॉइन का होल्ड है वो जा सकता है। एंड नॉट ओनली बिटकॉइन लेकिन जो ग्रेस्केल है वो इथीरियम को भी एक्यूमुलेट कर रहा है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो ग्रेस्केल है उसने नियर $396 million ऑफ इथीरियम को एक्यूमुलेट किया है। एंड जो इथीरियम है वो सेकेंड मोस्ट सेफेस्ट करेंसी मानी जाती है आफ्टर द बिटकॉइन बिकॉज हमें यूजुअली काफ़ी सिमिलर प्राइस मूवमेंट बिटकॉइन एंड इथीरियम के अंदर देखने को मिलती है। एंड इथीरियम हमें दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी ग्रो हो रहा है एंड जो मोस्ट ऑफ द डीफाई कॉइन्स है वो भी इथीरियम के ऊपर है। सो इथीरियम डीफाई के ऊपर भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है एंड डीफाई ने पास्ट कुछ टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एंड जो ऑलमोस्ट डीफाई के प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पंप हो रहे हैं। एंड अगर मैं एक ट्वीट की बात करूँ देन इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिचेस्ट मैन है हु इज़ फाउंडर ऑफ अमेजोन सो उसकी जो नेटवर्थ है दैट इज़ अराउंड $117 billion। एंड ये माना जाता है कि बिटकॉइन फाउंडर सतोशी नाकामोटो के पास नियर 1 million बिटकॉइन है। सो इन केस जो बिटकॉइन है वो $117,000 हो जाता है देन उस टाइम जो सतोशी नाकामोटो है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन हो सकता है। सो उस टाइम पर जो बिटकॉइन है उसे काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे एंड बिटकॉइन कहीं ना कहीं मास एडोप्शन की ओर मूव कर लेगा। एंड अगर हम मास एडोप्शन की ही बात करें देन राइट नाउ काफ़ी लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है बिटकॉइन को लेकर। जो लोग पहले बोलते थे कि बिटकॉइन फेक है या फिर जो बिटकॉइन है वो ओनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम हो सकता है या फिर जो बिटकॉइन है वो ब्लैक मार्केट को सपोर्ट करता है, सो उन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है बिटकॉइन को लेकर वो अभी चेंज हो रहा है। एंड जो रिटेलर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं लाइक जो अभी गवर्नमेंट को लेकर ट्रस्ट है वो कम होता जा रहा है बिकॉज जो COVID-19 की सिचुएशन है उसे देखते हुए जैसे US है उसने काफ़ी ज़्यादा मनी को प्रिंट किया है। सो इन केस काफ़ी ज़्यादा मनी प्रिंट होती है देन उस सिचुएशन के अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं अपनी ही करेंसी को डीवैल्यूएट कर देती है। सो ऐसी चीज़ों को लेकर जो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है वो कम हो रहा है। एंड अभी हमें US के अंदर रिसेंटली ब्लैक एंड वाइट का भी सिनेरियो देखने को मिला था। सो ऐसी सब चीज़ों को लेकर रेसिज्म को लेकर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है। एंड इन केस लोग अपना ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर कम करते हैं देन वो एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव को ढूंढते हैं सो दैट कैन बी बिटकॉइन। एंड अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें सो दैट इज द एंड ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। सो जो अभी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट है वो कम हो रही है बिकॉज वो ऑलरेडी अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा है वो बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन के अंदर लगा रही है। सो इस केस के अंदर ऑटोमेटिकली जो बिटकॉइन है उसे और भी ज़्यादा एडॉप्शन मिलती है। एंड जैसा कि हमें अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर भी सुनने को मिला था कि जो पेपल है वो अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है एंड उसके ऊपर हमें जो बिटकॉइन बाय ऑप्शन है वो मिलेगा। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिटकॉइन मास एडॉप्शन की ओर हेल्प करती हैं। एंड पहले पेपाल ने भी बिटकॉइन का अपोज किया था एंड उन्होंने बोला था दैट जो बिटकॉइन है वो एक स्कैम है एंड राइट नाउ दे आर अडोप्टिंग इट सो दैट इज़ गुड फॉर बिटकॉइन। एंड सिर्फ पेपाल ही नहीं लेकिन जो फेसबुक है वो भी अपनी खुद की करेंसी लेकर आ रहा है, खुद का टोकन ला रहा है दैट इज़ लिब्रा। सो ऐसे काफ़ी सारे लोग बिटकॉइन मास एडॉप्शन की ओर मूव कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जब इंटरनेट आया था या फिर जब अमेजोन या फिर ई कॉमर्स की साइट आई थी देन यूजुअली लोग उन पर भी इतना ट्रस्ट नहीं करते थे बट जब वो ग्रो हुए एंड आफ्टर दैट जो लोग हैं वो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक इन केस ऑफ शॉपिंग आप ई कॉमर्स साइट को यूज़ करने लगे एंड यूजुअली हर एक चीज़ इंटरनेट पर डिपेंड हो गई है
एंड ऐसे करके इंटरनेट का यूजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो ऐसे ही जो बिटकॉइन है वो एक नई टेक्नोलॉजी है, वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है एंड डेफिनेटली इसे भी एक्सेप्ट करने में लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्लोली ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। एंड राइट नाउ जो बिटकॉइन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग एंटर हो रहे हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो ये चीज़ बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर हम एक और पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें देन जो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप डायरेक्ट बिटकॉइन को कैश के थ्रू बाय कर सकते हैं। सो जो ऑस्ट्रेलियन पोस्ट ऑफिसेज हैं वो भी इसे अब प्रमोट कर रहे हैं। एंड जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है दैट फॉर मेनी पीपल पेइंग फॉर बिटकॉइन एट एन ऑस्ट्रेलियन पोस्ट ऑफिस फील सेफर देन ट्रांसफरिंग फंड्स ऑनलाइन। सो जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं उन्हें डायरेक्ट ऑनलाइन फंड ट्रांसफरिंग में थोड़ा डर लगता है, सो उन्हें वो चीज़ थोड़ी सेफ नहीं लगती। एंड अभी जो ऑस्ट्रेलियन पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर भी वो लोग डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। सो दैट इज़ रियली गुड फॉर बिटकॉइन। एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है दैट वर्ल्ड वाइड के अंदर 8,000 यूनिट ऑफ बिटकॉइन ATM इंस्टॉल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। नॉट ओनली दिस बट जो बिटकॉइन है उसे आप अभी कैश के थ्रू डायरेक्ट 20,000 रिटेल लोकेशन से बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर 7-Eleven CVS एंड राइट एड इंक्लूड हैं। सो दैट इज़ गुड फॉर बिटकॉइन एंड ऐसी चीज़ें ही बिटकॉइन को मास एडॉप्शन की ओर लेकर जाएगी। बट अगर हम एक नेगेटिव न्यूज़ की बात करें सो पहले हमें ये सुनने को मिल रहा था कि जो वेनेजुएला है वहाँ पर आप पासपोर्ट परचेज के अंदर जो आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज़ बिटकॉइन। सो जो पासपोर्ट एप्लीकेशंस है उसके लिए बिटकॉइन के थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है। बट करेंटली जो वेनेजुएला है उसने बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए, इन्होंने इस पेमेंट ऑप्शन को टेम्परेरली ऑफलाइन कर दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि ये पेमेंट ऑप्शन अभी रहे ही ना, या फिर ये ओनली टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस है, ये चीज़ अभी इन्होंने कन्फर्म नहीं की है। सो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पर पहले बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया गया था बट अभी जो पेमेंट ऑप्शन है उसे ऑफलाइन कर दिया है। ये भी हो सकता है कि इस पेमेंट ऑप्शन को परमानेंटली भी रिमूव कर दिया जाए। सो ये चीज़ अभी ऑफिशियल्स के थ्रू कन्फर्म नहीं हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Make sure to like this video and also subscribe to this channel. And also comment down below कि आपको क्या लगता है कि अभी बिटकॉइन का प्राइस हमें पंप होते हुए नज़र आएगा या अगेन बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें कुछ डंप नज़र आ सकता है। एंड क्या बिटकॉइन इस एलियोट वेव को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। That's it for today's video. Stay tuned for more updates. Bye bye. Take care.